नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं करण सिंह चौधरी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज में। आज आपके लिए लेके आए हैं ये प्रीमियम क्लास की प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो चीजें मैं आप बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रीमियम है और इसका जो रेट्स है वो बहुत वाजिब है। हम लोग अभी है सहजदारा अमन विहार के अंदर में, और यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी आपके सामने दिख रही है आपको, ये प्रॉपर्टी इसमें जो मटेरियल यूज किया गया बेस्ट क्लास का मटेरियल यूज किया गया है। रोड की बात करूंगा तो यहाँ पे 25 फीट की रोड आपको मिलने वाली है और आपको ईस्ट फेसिंग का ये घर मिलने वाला है। इसके साथ साथ इसकी अगर खूबियों के आसपास की बात करता हूं, नियर बाय क्या है, तो आपको नियर बाय स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और तमाम तरीके की फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां से अंदर, क्योंकि हम लोग सहजदारा में हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है ये, हार्डली 400 मीटर पे ये घर आपको मिलने वाला है हाईवे से। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, यहीं से अगर मैं कनेक्टिंग बोलूं तो यहां से आप राजपुर रोड भी निकल सकते हैं, आप चाहें तो यहां से सहजदारा को भी जा सकते हैं, तो दोनों रोडें कनेक्टिंग है। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। सबसे पहले अंदर लाते ही मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहां से ये पूरा पार्किंग स्पेस है, तो दो फॉर्च्यूनर गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां पे खड़ी हो सकती हैं, यहां स्कूटर के लिए और एक छोटी कार अगर है आपके पास, मतलब काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, ये बहुत ध्यान रखा गया है इस चीज़ का। और यहाँ पर जब हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर हमें बरामदा मिलता है और यहाँ एंट्रेंस पे हमें ये डबल डोर का यहाँ पे ये देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपको मिलता है टीक वुड, बहुत अच्छा वुड इस्तेमाल किया गया है इसमें। जो डोर है वो भी उम्दा क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, क्वालिटी अच्छी है। उसके अलावा जब हम एंट्रेंस लेते हैं यहाँ पर आप देखते हैं मार्बल यूज़ किया गया है, उम्दा क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का मार्बल इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा हौचपौच नहीं मचाया हुआ है। और इसमें जो विंडो लगाई गई है विंडो भी आप देख सकते हैं, यहां चाहे तो एक सिटी बना सकते हैं, आपके 7 सीटर 10 सीटर सोफा इजीली इस हॉल के अंदर लग सकता है दोस्तों। और वेंटिलेशन के लिए पूरा ध्यान रखा गया है, और आप देखें तो यहां पर भी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, दोनों तरफ से आपको वेंटिलेशन मिलने वाला है, तो धूप की और आपको हवा की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब हम थोड़ा सा अंदर आते हैं हमें गैलरी यहां पे मिलती है, गैलरी के साथ में एक रूम हमें यहां पर अटैच मिलता है। ये बेडरूम जो है, ये बेडरूम का साइज लगभग 10 बाई 10 का आपको बेडरूम यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके साथ में, जब हम यहाँ से इसी के सामने बिल्कुल आपको किचन मिलने वाला है। किचन देखिए यहाँ पर मॉडल किचन है, आप इसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहें करवा सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर ये देखिए आपको सारे कैबिनेट वगैरह सब मिलते हैं आपका सामान, मसाले, दालें वगैरह रखने के लिए। और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो एक आपको रूम यहाँ पर मिलने वाला, देखिए रूम का साइज़ है लगभग 15 बाई 10-11 का आपको साइज़ मिलने वाला है इस रूम के अंदर में, विद अलमीरा। ये अलमीरा आप देख सकते हैं फिटेड है पूरा, ये पूरा कवर्ड है, लगभग 11 फीट की अलमीरा आपको मिलती है। और यहाँ से अगर ऐसे में साइज़ की बात करता हूँ तो लगभग 8 बाई 11 की अलमीरा आपको मिलने वाली, काफ़ी बड़ा साइज़ है, विंडो का साइज़ काफ़ी बड़ा है। फिर मैं बताऊँगा कि टीक वुड का इस्तेमाल किया गया, फिटिंग्स वगैरह अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की गई है इसके अंदर में, और ये आपको यहाँ पर टेक्चर का भी काम मिलता है। इसके साथ में आपको यहाँ पर अगर आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो एक हमें छोटा सा टॉयलेट मिलता है ताकि आप इसे भी इस्तेमाल कर पाएँ। और एक रूम आपको मिलता है अभी लॉक लगा हुआ है इसमें, सेम साइज़ है इसका भी। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक और फीचर और बताना चाह रहा हूँ, बेसमेंट के अंदर एक पार्टी हॉल मिलता है, पूरा कवर्ड है, 240 गज में कवर्ड है वो, और काफ़ी बड़ा स्पेस है, 100 लोगों की पार्टी ईजिली हो सकती है यहाँ पर। तो नीचे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, आप एक बार आइए मेरे साथ, टेक अ लुक। यानी यहाँ पर पीवीसी पैनल का यूज़ किया गया, आप देख पा रहे हैं ये पूरी काफ़ी सुंदर, यहाँ पे वाइट और ये आपका कलर थीम जो है। तो देखिए काफ़ी बड़ा पार्टी हॉल है, आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं, फैमिली के साथ में कोई गैदरिंग है छोटी मोटी आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना बार बना सकते हैं साइड पे। तो इस पूरे स्पेस को आप जैसा चाहें वैसा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, अप टू यू आप क्या चाहते हैं इसमें करना। आपके पूरा मतलब ये मान लीजिए कि हाउस की जो वर्थ है ये पूरा काफ़ी पैसा इस मकान में लग चुका है। यह बेचने का कारण जो है इसका यही है कि वो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, इस वजह से इसको बेच रहे हैं मकान को। और अब मैं आपको ले जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, आइए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे हमने एंट्री ली है यहाँ पर एक रूम हमें यहाँ पर मिलने वाला है, देखिए विद अटैच टॉयलेट बाथरूम, सभी रूम्स के साथ में आपको टॉयलेट अटैच मिलने वाला है। इसका साइज़ भी लगभग 15 बाई 15 का साइज़ आपको मिलता है इस रूम का। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए आपको ड्रेसिंग रूम के लिए ये छोड़ा गया एरिया, ड्रेसिंग रूम इसमें बना सकते हैं या छोटा सा स्टोर भी आप बना सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। फिर अलमीरा की बात करूँगा, फुल साइज़ अलमीरा 8 बाई 11 की अलमीरा आपको मिलने वाली है। ऊपर यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर कैबिनेट मिलता है जिसके अंदर आप अपना जो आपका इधर उधर का सामान है वो आप रख सकते हैं। आइए मेरे साथ, मैं ले जा रहा हूँ आपको चौथे रूम में, फोर्थ रूम है, अगेन सेम साइज़
साइज़ के मामले में काफ़ी बड़ा है, सारे रूम्स हवादार हैं, बड़े हैं, और सेम यहाँ पर जो है 8x11 की अलमीरा फिर से हमें मिल रही है, देख पा रहे होंगे आप, सेम वुडन अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर फिटिंग यूज़ की गई है। आइए अब मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ के साथ ही, फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हम यहाँ आते हैं तो एक टॉयलेट हमें यहाँ पर भी मिलता है दोस्तों। और अच्छी बात क्या है देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए एक किचन आपको और मिलता है, तो दो किचन आपको मिलने वाले बड़े बड़े, बहुत बड़े साइज़ के, यानी कि अगर आपको इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट भी करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर हमें जो है, अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, तो थर्ड रूम यहाँ पे मिलने वाला, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, 10x10 का साइज़ मिलने वाला है इस रूम के साथ में। इसमें अटैच टॉयलेट नहीं है, इसका इस्तेमाल आपको ये वाला जो बाहर का टॉयलेट है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ से जब हम आते हैं तो ये हमें आपको पूरा यहाँ पर टेक्चर मिलता है फ्रंट में, ये बड़ी सी विंडो हमें मिलने वाली है, और अगेन यहाँ पर हमें बड़ा सा हॉल मिलता है। तो यानी कि दो फैमिलीज़ आप यहाँ पर आराम से रह सकती हैं, दो भाई भी आराम से रह सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है ये, चाहे आप ड्राइंग बना लीजिए, बड़ा कमरा बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता है। देखिए पिरामिड का डिज़ाइन आपको मिलने वाला है इसमें, इसमें ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और टेक्चर का बहुत बढ़िया वाइट एंड ग्रे का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और ये जो पीछे थीम है इसमें भी पूरा वाइट एंड ग्रे का इस्तेमाल है। अब मैं आपको बाहर लाता हूँ, ये देखिए यहाँ से व्यू अगर मैं बात करूँ तो व्यू ये बड़ा सा आपको पहले तो बालकनी मिलती है, और यहाँ से सामने से व्यू मिलने वाला देखिए, और सामने अगर मैं दिखाऊँ सोसाइटी की भी, तो यहाँ पे सारा एलीट क्लास है, अच्छे लोग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पड़ोसियों से किसी भी तरीके की। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपको लेके आ चुका हूँ टेरेस पे, टेरेस का साइज़ भी बहुत बड़ा है, छोटी बड़ी पार्टी घर में है 100-200 लोगों की तो यहीं निपट जाएगी आपकी टेरेस में। देखिए पीछे का लोकेशन आप पूरा देख रहे हैं, पीछे राजपुर रोड दिख रहा है आपको, और यहाँ से ये पूरा लोकेशन है, काफ़ी अच्छा सोसाइटी है। ये सब आपको मिलने वाला मात्र 1,70,00,000 रुपए में, मात्र 1,70,00,000 में ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ऐसी प्राइम लोकेशन के अंदर इस रेट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। लगभग 35x60 का इसका साइज़ है, फ्रंट इसका 35 है, गहराई इसकी लगभग 60 है, टोटल गज इसका 240 गज में ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है दोस्तों। पूरे में पूरा कवर्ड एरिया है इसमें, अगर बात करूँ तो लगभग आपका 3,500 कवर्ड एरिया आपको मिलने वाला है। और ये पीछे देखिए सोसाइटी है, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी को जरूर विजिट कीजिए, और एक बार हमें मौका दीजिए ताकि हम आपको इसको विजिट कराएं और आपको अच्छी प्रॉपर्टी दें। नीचे दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, और किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें संपर्क कीजिएगा। मुझे करण सिंह चौधरी को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।